नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले समास। संस्कृत में जितनी भी जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आर टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एम पी टेट हो, चाहे कोई सी भी संस्कृत से संबंधित जो जितने भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है, उनमें समास से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम समास भाग एक पे बात करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि भाग एक में जो है, हम समास के जो समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, समासिक शब्दों से संबंधित जितने जो पद हैं, जो प्रश्न हैं, हम उन पे बात करने वाले हैं। और समास वार यानी कि अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, इनके जो है हम भाग दो और तीन में बात करेंगे। तो आज हम केवल समास और समास से संबंधित समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति क्या है, कौन सा समास है, कौन सा उपसर्ग है, क्या इसकी परिभाषा है, कौन से सूत्रों से इसकी परिभाषा निष्पन्न होती है, हम उनसे संबंधित बात करने वाले हैं और उन्हीं प्रश्नों पे हम जो है व्याख्या करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या प्रश्न आपको कुछ अलग लगता है या किसी प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं या इससे संबंधित और समास पे जो है हम वीडियो लेकर के आएँ या संस्कृत के किसी भी विषय से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं समास से संबंधित प्रश्नों पे। और ये प्रश्न जो है वो संस्कृत में है। अपन इसको आराम से समझने का, व्याख्यात्मक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो प्रश्न संख्या एक से। समास है इति शब्दे धातुरस्ति। समास शब्द में धातु कौन सी है? तो समास शब्द में धातु कौन सी है? अस धातु है। हम सब जानते हैं कि समास शब्द की जो व्युत्पत्ति है, सम उपसर्ग, अस धातु और गहि प्रत्यय से मिलकर के बनती है। दूसरे प्रश्न में यदि हम बात करें, समास है इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। समास शब्द में प्रत्यय है, तो समास शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ? गहि प्रत्यय। आगे यदि हम बात करें, समसनम भवति। समसनम भवति, तो समसनम समास है। ये समास शब्द की परिभाषा है। समसनम समास है अर्थात जो सम कर दे, जो संक्षिप्त कर दे किसी बड़े पद को, जो दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्तीकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। तो संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। अनेकस्य पदस्य एकी पदी एक पदी भवनम भवति। अनेक पदों का एक पद हो जाना होता है, तो अनेक पदों का एक पद हो जाना समास होता है। सुबंत नहीं होता, तिगंत भी नहीं होता। सुबंत जो सुप आदि प्रत्यय होते हैं पद, और तिंग जो तिंग आदि प्रत्यय होते हैं धातु। संहिता किसी चीज़ को, किसी चीज़ का एकत्रित कर लेना, किसी चीज़ को बांध करके रखना, जैसे संधि में संहिता नित्य होती है। लेकिन बहुत सारे जब पद होते हैं तो उसको जब एक मिलाया जाता है तो हम उसे समास कहते हैं। हालांकि दो पदों को आप ऐसा भी कह सकते हैं, संधि में संहिता होती है तो संधि में केवल वर्णों के मेल को, जो वर्णों में जो मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो संहिता होती है, वो संधि होती है। तो यहाँ पर वर्णों में और पदों में यह हमें ध्यान रखने योग्य है। हम संधि पे भी जो है इसके बाद में वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम संधि संहिता सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। परस्परान्वितियो सुबंतियो भवति। परस्पर अन्वित, परस्पर मिले हुए जो सुबंत है, जो पद हैं। सुबंत का हमने इस चौथे के पहले में ये पद सुबंत पे चर्चा की थी कि पद को सुबंत कहते हैं। सुप आदि जो प्रत्यय होते हैं वो पद के लिए होते हैं। तो जो पद होता है तो आपसे पद ने देकर के सुबंत शब्द भी पूछ सकता है, तो पद के स्थान पर वो सुबंत शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो परस्पर जो अन्वित होते हैं सुबंत,
बहुत सारे जो पद मिल जाते हैं वहां पर क्या होता है, तो वहां पर समास होता है। समास इत्यसे शाब्दिको अर्थ, शाब्दिक अर्थोस्ति। समास इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण करना, समसनम समास है। समासे प्रातिपदिक संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ध्यान रखें समास में प्रातिपदिक संज्ञा पूछ रहा है, प्रातिपदिक समास की जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है वो किस सूत्र से होती है, तो कृत तद्धि समासस्य। ये पांच वृत्तियां होती है, कितनी वृत्तियां होती है, पांच, जिसमें कृत भी होता है, तद्धित भी होता है और समास भी होता है। तो कृत तद्धि समास सूत्र के अनुसार इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समासे है विभक्तिर लोप भवति। समास में विभक्ति का लोप होता है, ये किस सूत्र से होता है, समास में जो विभक्ति का लोप होता है वो किस सूत्र से होता है, तो वो सुप्प धातु प्रातिपदिक योग इस सूत्र से होता है। ये ध्यान रखें समास में जो विभक्ति का लोप होता है वो सुपो धातु प्रातिपदिक योग इस सूत्र से समास में विभक्ति का लोप होता है। प्रार्था अभिधानम भवति। जो परार्थ अभिधान होता है जिससे देकर के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें समास है या नहीं है, वो पांच जो चीज़ें होती है हम उन्हें वृत्ति कहते हैं। तो प्रार्थाभिधानम को हम क्या कहते हैं, वृत्ति। वृत्तियाँ भवंती, वृत्तियाँ कितनी होती हैं, तो वृत्तियाँ जो है हमने कृतद्धि समास में ये देखा था, वृत्तियाँ जो है पाँच होती है। समास में वृत्तियाँ कितनी प्रकार की हो सकती है, पाँच प्रकार की। वृत्ति अर्था अवबोधकम वाक्यम भवति। जो वृत्ति के अर्थ को बोधक करने वाला, जानने वाला जो वाक्य होता है, जो वृत्तियाँ जिसको अलग अलग लिखा जाता है, उन वृत्तियों के साथ में जो बोध कराता है, हमें जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विग्रह कहते हैं। अर्थात जब संक्षिप्त पद का वृत्तियों के साथ, विभक्तियों के साथ उसको अलग अलग लिखा जाता है, तो उस अलग अलग लिखने के पद को हम विग्रह कहते हैं, विग्रह भवति। तो विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, द्विधा। विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। तो विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, द्विधा, लौकिक और अलौकिक, तो दो प्रकार के विग्रह होते हैं। पंचवृत्ति सुनास्ति। पांच वृत्तियों में क्या नहीं है, तो कृदंत है, तद्धित है, एक शेष है, समाहार है, तो संहिता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं, ये तो प्रश्न थे समास से संबंधित, अब हम आज केवल समास पे बात कर लेते हैं कि केवल समास में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अविभाव से पहले केवल समास, और उसके बाद में हम अन्य समासों पर चर्चा करेंगे। केवल समासे भवति, केवल समास होता है, तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता है, विशेष संज्ञाओं से निर्मित जो होता है उसे हम केवल समास कहते हैं। पूर्व पदार्थ प्रदान है भवति, तो पूर्व पदार्थ प्रदान, पूर्व पदार्थ जो प्रदान होता है उसे हम अव्ययीभाव भाव समास कहते हैं। उत्तर पदार्थ प्रदान है भवति, तो वो तत्पुरुष समास होता है। समझ आऊंगा, यहाँ पर हम पहले जो है समासों से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद में केवल समास से संबंधित प्रश्न करेंगे। समास है भवति, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास तो वैसे जो है आप अधिकतर ये देखते हो कि छह प्रकार के समास होते हैं। हम सब जानते हैं कि छह प्रकार के समास होते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये ध्यान रखें, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो भट्टोजी दीक्षित जो हमारे सिलेबस में है, चाहे वो RPSC का सिलेबस है, चाहे वो किसी भी टेट का सिलेबस है, तो सिलेबस के अनुसार जो समास होते हैं वो पांच ही प्रकार के होते हैं। भट्टोजी दीक्षित की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार समास को, समासों के भाग पांच ही होते हैं। अन्य अर्थ प्रदानो भवति। अन्य अर्थ प्रदान होता है, जो
विग्रह के बाद में कोई और अर्थ निकले, कोई दूसरा अर्थ निकले, कोई अन्य अर्थ निकले, तो वो समास होता है बहुव्रीहि। उभय पदार्थ प्रधान भवति, उभय दोनों पदार्थों में जो प्रधान होता है, दोनों पदों में जो प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व कहते हैं। अर्थात दोनों पदों में जो दो या जितने भी जो दो पद होते हैं उन सभी में जो समान विभक्ति का प्रयोग होता है, जो दोनों में प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तत्पुरुष है भेदो अस्ति, तत्पुरुष भेद है, तो तत्पुरुष किसका भेद है, वो कर्मधारय का। हमने यहाँ पर बात की थी समास जो है पांच प्रकार के होते हैं, उसमें जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का भेद है, और कर्मधारयस्य भेदो अस्ति, तो कर्मधारय का जो भेद होता है वो द्विगु समास होता है। इस तरीके से तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, तत्पुरुष का कर्मधारय और कर्मधारय का द्विगु, तो पाँच पाँच और छ, इस तरीके से छः समास होते हैं। अब बात कर लेते हैं केवल समास की। केवल समास जो है उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना रहती है। भूतपूर्व इत्यत्र समासोक्ति अस्ति, यहाँ पर भूतपूर्व शब्द में कौन सा समास है, तो भूतपूर्व शब्द में केवल समास है। भूतपूर्व इतस्य विग्रह अस्ति, तो भूतपूर्व का जो विग्रह है वो लौकिक विग्रह क्या होगा, पूर्वम भूतः, यह होगा पूर्वम भूतः। वागार्थव्यव इत्यत्र समासो अस्ति, वागार्थव्यव में केवल समास होता है। ये कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि वागार्थव्यव में कौन सा समास है, वागार्थव्यव में केवल समास है। आगे देख लेते हैं, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समासे भवति, विशेष संज्ञा से जो विशेष संज्ञा वाला जो समास है उसे हम केवल समास कहते हैं। और इसके बाद जो है भूतपूर्व इतस्य अलौकिक विग्रह अस्ति, तो भूतपूर्व शब्द का जो अलौकिक विग्रह होगा वो होगा पूर्वम अम भूतसु, पूर्वम अम भूतसु। वागार्थव्यव इतस्य लौकिक विग्रह अस्ति, तो वागार्थव्यव शब्द का लौकिक विग्रह होगा वागार्थ अव इव, वागार्थ अव इव, ये लौकिक विग्रह होगा। वागार्थव्यव इतस्य विग्रह अस्ति, तो इसका जो है समा चाहूँगा यहाँ पर, ये जो छठा प्रश्न है इसमें अलौकिक विग्रह पूछा गया है, यहाँ पर ये शब्द छपा नहीं, अलौकिक विग्रह जो है वागार्थ अव इव होगा, और इसका जो लौकिक विग्रह होगा वो होगा वागार्थव इवेति, इव इति, वागार्थव इव इति, इवेति, तो यह होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे प्रश्न आपने अच्छी तरीके से देखे, समाज से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।